टर्मिनल एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। दूसरों के घर में काम कर रहे जिंदगी गुजारने वाली दंपत्ति को 40 लाख की लॉटरी। बिहार स्कूली बस दुर्घटनाग्रस्त, 20 बच्चे घायल। औरंगजेब की तरह व्यवहार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ कांग्रेस। अब खबरें विस्तार से। गुवाहाटी किस्मत कब किस पर मेहमान हो जाए तो ये किसी को नहीं पता। असम में रहने वाले एक परिवार के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। गरीबी में जिंदगी गुजारने वाले इस परिवार के एक शख्स ने लॉटरी की एक टिकट खरीदी और ड्रॉ में उसे BMW कार मिल गई। गया जिले में शनिवार सुबह स्कूली बच्चों को लेकर पिकनिक पर निकली बस सड़क किनारे पलट गई। इसमें 15 बच्चे सहित लगभग 20 लोग घायल हो गए। हालांकि सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। नई दिल्ली कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर औरंगजेब की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने सवाल किया कि क्या अब देश में तालिबानी व्यवस्था चलेगी। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।